दोस्तों मेरा नाम है राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहां पर आपको इसी तरह की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो कि शिक्षा से जुड़ी हुई है, छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है, वो लगातार आपको इसी चैनल पर मिलती रहे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 2 सितंबर की छत्तीसगढ़ के शिक्षा से जुड़ी हुई तमाम खबरों को। बहुत इंपॉर्टेंट खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत काम किया आपके लिए। तो पहली खबर यहाँ पर हम लोग देखते हैं रायपुर से। तो शिक्षा सत्र 2022-23 में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट की न पढ़ाई पूरी होगी और न ही समय पर परीक्षाएं होगी, क्योंकि कॉलेजों में अब सितंबर के पहले सप्ताह से जो है क्लासेस स्टार्ट हो जानी थी, लेकिन सितंबर में भी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर की पढ़ाई शुरू नहीं हो पाई है। परीक्षा के लिए 180 दिन की क्लास जरूरी है, लेकिन एडमिशन में देरी की वजह से यहाँ लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी की वार्षिक परीक्षा इस बार देर से होने की संभावना शुरुआत से ही यहाँ पर बन गई है। प्रदेश के राजकीय विश्वविद्यालयों में ग्रेजुएशन की 1,66,252 सीटें हैं, इनमें अब तक 94,218 सीटों में ही एडमिशन हुए। ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर की करीब 70,000 से अधिक सीटें यहाँ पर खाली रह गई है। इस वजह से एडमिशन की तारीख बढ़ाकर 20 सितंबर कर दी गई है। इसके अनुसार ही अब कॉलेजों में एडमिशन हो रहे हैं। इस संबंध में राजधानी के कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि ग्रेजुएशन सेकंड और थर्ड ईयर की कक्षाएं शुरू हो गई है, फर्स्ट ईयर में अभी एडमिशन दिए जा रहे हैं, इसलिए कक्षाएं शुरू नहीं हो पाई है। सितंबर के सेकंड वीक से कक्षाएं प्रारंभ होगी। अक्टूबर में दिवाली दशहरा की हफ्ता भर छुट्टी रहेगी, इसके अलावा अन्य छुट्टियों का भी पढ़ाई पर असर पड़ेगा। इस तरह से 50% कोर्स भी पूरा होना मुश्किल है, ऐसे में मार्च में वार्षिक परीक्षा होने की संभावना यहाँ पर कम है। साइंस कॉलेज, छत्तीसगढ़ कॉलेज, डिग्री गर्ल्स कॉलेज में इस बार फर्स्ट ईयर की पढ़ाई सेमेस्टर सिस्टम से होगी, इसके लिए तैयारी की जा रही है। कॉलेज अधिकारियों ने बताया है कि जिन छात्रों ने ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, उनकी पढ़ाई और परीक्षाएँ जो है सेमेस्टर फार्मूले से ही होगी। इस संबंध में जल्द ही निर्देश जारी किए जाएंगे। और यहाँ पर जो है इस बार भी जो है अप्रैल में होगी, क्योंकि मार्च में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर सितंबर के फर्स्ट वीक से ही क्लास स्टार्ट हो जाना था, जो कि अभी तक एडमिशन ही ख़त्म नहीं हुआ। अगली खबर यहाँ पर देखते हैं, तो बीए बीएड और बीएससी बीएड के लिए 2 सितंबर को मेरिट लिस्ट जारी होगी। इस पर दावा पत्र 30 सितंबर तक की जा सकती है। एडमिशन के लिए पहली लिस्ट 6 सितंबर को जारी होगी, तो आज आ सकता है इसका मेरिट लिस्ट। और अगली खबर बालोद से देखते हैं, तो इस शैक्षणिक सत्र में यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से गठित नैक टीम SSR यानी कि सेल्फ स्टडी रिपोर्ट के आधार पर जिले में लीड सहित 9 कॉलेजों का मूल्यांकन ग्रेड तय कर चुकी है। बिलोदी कॉलेज में यह टीम जल्द पहुंचेगी। जिन कॉलेजों में यह टीम पहुंची है वहाँ CGPA स्कोर 2.50 से कम रहा, नतीजा परिणाम सभी के सामने है, एक भी कॉलेज को बी ग्रेड से ज़्यादा नहीं मिल पाया है, जबकि सभी कॉलेज प्रबंधन कई माह से बेहतर ग्रेड मिले हैं इसके लिए तैयारियाँ कर रहे थे, लेकिन रिजल्ट जारी हुआ तो 8 कॉलेजों को बी ग्रेड ही मिल पाया है, एक कॉलेज को बी ग्रेड से नीचे सी ग्रेड मिला है, ऐसा क्यों, इस पर प्रबंधन मंथन कर रहा है, पालकों व स्टूडेंट के बीच यह चर्चा का विषय बना हुआ है। लीड सहित अन्य कॉलेजों की तुलना में खेरता बाजार कॉलेज का जो प्रदर्शन है वो बेहतर यहाँ पर रहा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि किसको किसको क्या मिले और इसके पीछे का जो कारण है वो क्या है। तो यहाँ पर बालोद का जो कॉलेज है उसका CGPA स्कोर 2.08 रहा, बी ग्रेड मिला है, 2005 में इसको सी ग्रेड मिला था। इसमें खामियां यह है कि इनकी कैंटीन बंद है, शैक्षणिक गतिविधियों में नवाचार का अभाव, पढ़ाई के परंपरागत तरीके, रेगुलर स्टाफ की कमी। और दिल्ली राजहरा का कॉलेज का यहाँ पर देखते हैं, तो इसको भी बी ग्रेड ही मिला है, 2.43 इसका जो है CGPA स्कोर है। इसमें खास इसकी जो कमियां हैं वो है SSR रिपोर्ट में पूरी गतिविधियों की जानकारी नहीं भेज पाए, SSR रिपोर्ट में 70% अंक रहते हैं, रेगुलर स्टाफ के लिए बिल्डिंग की कमी है। उसके बाद गुरुर कॉलेज में जो है इसको 2.07 इसको CGPA स्कोर मिला है, बी ग्रेड इसको भी मिला है। इसकी खामियां यह है कि PG कोर्स कम है, कई कोर्स में वैकल्पिक विषय नहीं है, शोध पत्रिका का प्रकाशन हुआ लेकिन मापदंड अनुसार नहीं हो पाया, रेगुलर स्टाफ की कमी है। गुंडरदेही में जो कॉलेज है इसको यहाँ पर 2.24 मिला है ग्रेड और इसको बी ग्रेड मिला है। इसमें जो है खामियां है, कैंटीन नहीं है, आधारभूत अवरचना सुविधाएं, रेगुलर स्टाफ की कमी है, शोध और स्मार्ट क्लासरूम का अभाव, इंटरनेट सुविधाएं, वाईफाई
कैंपस वाटर हार्वेस्टिंग यहाँ पर इसकी एक कमी है। खेरथा बाजार को यहाँ पर 2.36 होने पर भी बी ग्रेड मिला है और यहाँ पर इसकी जो कम यहाँ पर बाकी कॉलेजों के इसमें इसकी तुलना बेहतर प्रदर्शन है। इसमें खामी यह है कि शोध गे खेल गतिविधियाँ कम हुई है, कई गतिविधि कराए लेकिन सभी का दस्तावेज संबंधी रिकॉर्ड टीम को नहीं दिखा पाए। रेगुलर स्टाफ की यहाँ पर कमी है। अरमरी कला की बात करें तो इसका यहाँ पर CGPA स्कोर 2.01 से कम रहा, सी ग्रेड मिला है। इसमें खामी है कि रेगुलर स्टाफ की कमी है, स्टूडेंट के मांग अनुरूप कोर्स संचालित नहीं, आधारभूत संरचना विषय अनुसार स्टाफ का अभाव है। यहाँ पर डोंडी का जो कॉलेज है उसका स्कोर 2.22 रहा है, बी ग्रेड मिला है। इसमें भी रेगुलर स्टाफ की कमी और आधारभूत सुविधाएं, खेल मैदान की कमी, छात्रावास नहीं है, PG स्टूडेंट की दर संख्या अनुरूप पढ़ाने के लिए प्रोफेसर नहीं है। डोंडी लोहारा की बात करें तो इसको जो स्कोर मिला है वो है 2.27 और इसकी जो कमी है वह है खेल मैदान की कमी, स्वीकृत अनुसार रेगुलर स्टाफ की भर्ती नहीं हो पाई है, PG कोर्स सहित अन्य सुविधाओं की कमी है। अर्जुंदा कॉलेज की बात करें तो इसको जो स्कोर मिला है वो 2.10 रहा, बी ग्रेड मिला है और 2015 में इसको 2.2 मिला था इसका जो CGPA स्कोर है। अब इसमें जो खामियां है वो है रेगुलर स्टाफ की कमी है, कैंटीन बंद है, शोध नवाचार जैसे गतिविधियों का अभाव रहा है। अगली खबर यहां पर देखते हैं भिलाई से, तो छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय से संबद्ध 33 इंजीनियरिंग कॉलेज संबद्ध है। इसमें 3 सरकारी और शेष सभी प्राइवेट है, 10 निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रचार नहीं है, 15 में छात्रों की संख्या के अनुपात में प्राध्यापक नहीं है। दुर्ग और रायपुर में संचालित अधिकांश प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों में स्थिति ठीक है लेकिन बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों में संचालित प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों में सबसे अधिक जो है अव्यवस्था है। कुछ कॉलेजों में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की कमी है और साथ ही अधोरचना, खेल मैदान, लाइब्रेरी समेत अन्य सुविधाएं भी अभी तक विकसित नहीं की जा सकी है। CSET से संबद्ध सभी फार्मेसी कॉलेज यहां पर प्राइवेट है, इसकी संख्या 41 है, इनमें से 8 को छोड़कर शेष 33 में प्राचार्यों की नियुक्ति नहीं की जा सकी है। फार्मेसी कॉलेज में भी भारी अव्यवस्था है, स्टाफ और लैब की कमी तो है। CSET को संचय निधि, खेल शुल्क, संबद्ध शुल्क, अन्य तरह के सभी शुल्क देने में पीछे रहते हैं कॉलेज, इससे छात्रों की परेशानी होती है और इससे CSET प्रशासन भी परेशान रहता है। और यहाँ पर जो है प्रत्येक ब्रांच के अनुसार नानो शिक्षक अनिवार्य है लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर जो है विवाद का सीधा असर काउंसलिंग पर पड़ रहा है, नए शिक्षा सत्र कम से कम 3 महीने पीछे देरी से शुरू होना लगभग तय है। AICTE से सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों को संबद्धता प्रदान कर दी थी, साथ ही CSET ने 31 अगस्त तक संबद्धता प्रदान करने के लिए समय दिया था, इससे देरी हुई है। अगली खबर यहाँ पर देखते हैं जगदलपुर से, तो बस्तर यूनिवर्सिटी की वार्षिक परीक्षाओं के नतीजे करीब करीब जारी हो गए हैं। अभी BSc फर्स्ट ईयर और BA फर्स्ट ईयर के नतीजे आने में शेष है। परीक्षा विभाग के अफसरों के अनुसार आने वाले एक दो दिन में इन दोनों संकाय के नतीजे भी जारी कर दिए जाएंगे। यह नतीजे जारी होने के बाद बस्तर यूनिवर्सिटी सप्लीमेंट्री परीक्षा की तैयारी में जुट जाएगा। सप्लीमेंट्री की परीक्षाएं भी वार्षिक परीक्षा के तर्ज पर लेने के मूड में है, यानी कि ऑनलाइन यहाँ पर जो है वार्षिक परीक्षा ऑनलाइन हुई थी, इसलिए ये भी ऑनलाइन यहाँ पर होगा। यहाँ पर 21 जो बस्तर यूनिवर्सिटी है इसने कुल 39 संकायों के एग्जाम लिए थे, इनमें से अगस्त में खत्म होने वाले 37 संकायों के नतीजे जारी हो चुके हैं। 2 संकाय के नतीजे सितंबर में जारी होंगे। BU के तय शैक्षणिक कैलेंडर के आधार पर सितंबर में ही BU की सप्लीमेंट्री की परीक्षाएं पूरी हो जानी थी लेकिन अभी तक ये संभव होता नजर नहीं आ रहा है। दरअसल सितंबर के पहले सप्ताह तक बस्तर यूनिवर्सिटी के नतीजे उनको जारी करना था, इसके बाद टाइम टेबल की घोषणा होगी, फिर पर्चे होंगे और पर्चे हल करने से लेकर इसे कॉलेज में जमा करने और नतीजे जारी करने में पूरा सितंबर और अक्टूबर का महीना बीत जाने की आशंका है। ऐसे में बस्तर यूनिवर्सिटी धीरे धीरे अपने शैक्षणिक कैलेंडर से पिछड़ता नजर आ रहा है। गौरतलब है कि बस्तर यूनिवर्सिटी इस साल 50,000 से ज़्यादा छात्रों ने अलग अलग संकाय में परीक्षा दी थी, इनमें से करीब 1,000 से ज़्यादा छात्र फेल हो गए हैं या फिर सप्लीमेंट्री की श्रेणी में आ गए हैं। अगली खबर यहाँ पर देखते हैं, तो IIT में एडमिशन के इच्छुक जो
आईआईटी में एडमिशन के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी खबर है। इस वर्ष देश के कुल 23 आईआईटी में 16,598 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। यह पिछले वर्ष के मुकाबले 366 सीटें अधिक है। शिक्षा सत्र 2021-22 के दौरान 16,232 सीटों में यहाँ पर एडमिशन दिया था। 3 सितंबर को इसको मॉडल आंसर जारी किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है रायगढ़ से खबर देखते हैं तो मेडिकल कॉलेज की मान्यता को लेकर NMC की टीम ऑनलाइन बैठक ले रही है। पहले टीम यहां आने की बात कही जा रही थी। वर्चुअल समीक्षा में मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को राहत गुरुवार को पहले चरण की हुई बैठक में है। बैठक शुक्रवार को भी चलेगी। मेडिकल कॉलेज में अभी भी 60 सीटें हैं। माना जा रहा है कि कॉलेजों को नई सीटों की अनुमति नहीं मिलेगी क्योंकि जरूरी विभागों को में प्राध्यापकों की कमी के कारण सीटें बढ़ाना यहाँ पर मुश्किल होगी। अगली खबर यहाँ पर देखते हैं तो तिलदा समीपस्थ ग्राम पंचायत कोका स्थित सत्यनारायण अग्रवाल कॉलेज में सीट वृद्धि की गुहार को उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने तुरंत मंजूरी दे दी थी, लेकिन सप्ताह भर बाद भी एडमिशन नहीं हो पाया है जबकि पढ़ाई शुरू हो चुकी है। ऐसे में स्टूडेंट असमंजस की स्थिति में बने हुए कि एडमिशन के इंतजार करें या फिर दूसरी जगह देखें। कांग्रेसियों द्वारा विभागीय मंत्री से सीट वृद्धि की गुहार 24 घंटे के अंदर ही 26 अगस्त को बायो विभाग में 20 सीट की वृद्धि भी कर दी गई, लेकिन अभी तक 20 नए सीटों पर एडमिशन नहीं हो पाया। इन 20 सीटों में सैकड़ों छात्र आस लगाए बैठे हैं। इस संबंध में प्राचार्य श्री दीवान ने कहा कि बायो विभाग का सीट वृद्धि हुई है जिसका कार्य बायो विभाग की संध्या मैडम देख रही है। इस बारे में वही बता सकती है। बायो विभाग की मैडम से संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। ABVP कार्यकर्ता गौरव अग्रवाल का कहना है कि छात्र असमंजस में है लेकिन कॉलेज प्रशासन अभी भी ढुलमुल रवैये अपना रही है। तो ये था आज के डेट में छत्तीसगढ़ के शिक्षा से जुड़ी तमाम खबरें। ये खबर आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएगा। मिलते हैं नई खबरों के साथ एक नए वीडियो में।